भोगाव में गरीबों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ की जानकारी के लिए डूडा टीम जांच के लिए भोगाव में तीसरे दिन भी लगभग 65 मकानों की जांच जेई उनकी टीम की देखरेख में की गई। जांच के दौरान दो किस्तें पा चुके लोगों के मकानों का भी टीम ने निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के आवास देने के लिए वर्षों पहले योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत नगर के मोहल्ला करिया नीम, मोहल्ला चौधरी, ऊपरटीला, रसूलाबाद, पजैया, करियानीम, हथियापोर में 1 सैकड़ा से अधिक लोगों के आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद मिल चुकी है, जबकि इतनी ही संख्या में लोगों की दूसरी किस्त का पैसा जारी हो चुका है। दूसरी किस्त मिलने के बाद कुछ आवासों पर लेंटर पड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि उनके खाते में डूंड द्वारा भेजी जा चुकी है। मकान कंप्लीट हो जाने के बाद तीसरी किस्त का 50,000 रुपए बाद में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के द्वारा बनाए गए मकानों की भी जांच की गई। जांच टीम ने आवासीय सुविधा पाने वालों से किसी भी प्रकार के लेन देन या दलाली की भी जानकारी ली। एक आवासीय सुविधा मिलने वाली महिला की मौत हो जाने पर टीम ने योजना को मृतक महिला के बेटे के नाम स्थानांतरित कर उसे आवासीय सुविधा की सूची में जोड़ लिया। जेई शैलेंद्र यादव ने बताया कि जांच पूरी तरह निष्पक्षता के साथ की जा रही है, अब तक कोई लेनदेन का मामला सामने नहीं आया है। वहीं नई लिस्ट शीघ्र ही जारी होने वाली है, ऐसे लोगों की भी आज उनके द्वारा जांच की गई है। सर, जो आवास योजना चल रही है इसमें आप आज जांच के लिए भोगाव में आए हैं, तो किस किस मोहल्लों में आपने चेकिंग की है और क्या क्या आपको पात्र पाए गए, या ऐसा तो नहीं कि मतलब कोई पात्र ना हो सभी पैसा मिला हो? नहीं, अभी तो यहाँ ऊपर टीला में आए हैं बोर्ड में, यहाँ पे 10-15 मकान देखे हैं और सबसे बात कर ली है, सब बोल रहे हैं 1 रुपये भी किसी ने नहीं लिए और बहुत खुश है योजना से। तो अब कहाँ कहाँ पर अभी और चेकिंग करने आप जाएंगे? अभी हम हर वार्ड में प्रति 10-10 घर देखेंगे, पूरा जांच करेंगे 10-15 घर, एक एक से पूछेंगे और ये भी देखेंगे कोई छूट गया है मान ली तो उसका आवेदन ले लेंगे, या देखेंगे उसका नाम है उसको बता देंगे कि आपका क्या DPR में नाम है कि नहीं है, और किसी की कोई किस्त रह गई है तो उसको बता देंगे कब तक आएगी आपकी, पूरा उनकी नोट कर लेंगे पूरा। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर अरविंद। तो आपको ये आवास जो मिला है इसमें कोई पैसा आप पे लगा है? नहीं सर। आपकी कितनी किस्तें आ चुकी हैं? सर 2 आ चुकी हैं, अब एक बाकी रह गई है।